अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक हैं? इस टाइम हम मुल्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे स्नूकर का एक बहुत मेगा इवेंट हो रहा है जिसमें काफ़ी नामवर शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, और उसमें हम अक्सर फेसबुक पे या छोटे इलाकों में जिन लोगों को कोचिंग नहीं मिलती, तो एक शख्सियत है यहाँ अरशद कुरैशी साहब, तो उन्होंने एक हमें हम अगर छोटे लेवल पे खेलते हैं या बड़े लेवल पे खेलते हैं, उन्होंने एक एफर्ट किया है कि हर किस्म के बंदे को ये नॉलेज होना चाहिए और मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे काम बहुत कम शख्स करते हैं, पैसे के लिए तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अरशद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी मुझे आपने काफ़ी लंबी बातें कर दी। हम एक्चुअली मौजूद हैं, मेगा टीम इवेंट है प्रो स्नूकर का 2018 का, ये लास्ट ईयर भी इवेंट हुआ था, ये सेकंड इवेंट है जो सक्सेसफुल हुआ है। कैमरा पे चेक इनको करा दें, इनको साथ कर आप साथ ही आते हैं जी। सैफ है, मेरे दोस्त हैं सारे, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, और मैं बेसिकली मुल्तान आया ही मैं उन दोस्तों से मिलने हूँ जो काफ़ी अरसे से मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, बहुत से लोग बुलाते हैं कि जी आप कभी हमारे इलाके में चक्कर लगाएं, आप कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पेशावर, मर्दान, क्वेटा, एबटाबाद, तभी तो मैं सारी जगह पर चुका हूँ। क्वेटा सॉरी नहीं जा सका, वहाँ भी इंशाल्लाह प्लान करके, दूर काफ़ी। तो मैं मुल्तान आने की बेसिकली इस इवेंट में पार्टिसिपेशन की वजह भी यही थी, अपनी टीम को सपोर्ट एक तो बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये है कि इनको ज़रूर मैं टाइम देना चाहता था। बाकी ये है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, जो लोग नहीं जानते इस तरह से, बहुत से दोस्त अभी नहीं जानते, तो यूट्यूब पे जाएंगे आप अरशद कुरैशी स्नूकर कोचिंग सर्च करेंगे तो उर्दू लैंग्वेज में मैंने ट्रेनिंग वीडियोज़ 311 ट्रेनिंग वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक है। तो कोशिश करें एडवांस लेवल की उस वक्त देखें जब आप उस लेवल के प्लेयर हो जाएं। लड़के ये गलती करते हैं मेरे पास कि वो एडवांस प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं पहले, जबकि बेसिक प्रैक्टिस उनकी भी होती है। तो बेस्ट ये है कि आप शुरू की वीडियो से स्टार्ट करें और आगे तक चलते हैं। दूसरा ये कि जो एक चीज़ मिस हो गई वो ये कि जो लोग नहीं जानते, मैं पाकिस्तान का पहला ड्यूल सर्टिफाइड स्नूकर कोच हूँ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। मैं लेवल 4 एग्जामिनर भी हूँ। एग्जामिनर ये होता है कि जो कोचिज़ की ट्रेनिंग करता है कि आप ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मुझे साहब बता रहे थे कि ये भी थोड़ी एफर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपने भाई की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोगों को करते हैं कि अपने दो मार्शल क्लब्स भी हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे वॉल भी बनाई है। सर हमारे वहाँ एरिया में ना स्नूकर ऐसे समझ जाता है, लोग बच्चों को भेजते ही नहीं है स्नूकर, तो आप उन लोगों के लिए भी पैगाम दें कि जो आप मतलब गेम एक हमारे कैदम साहब भी खेलते रहे, तो उसमें आप पहली बात तो ये कि एक चीज़ मैं तमाम वालदैन को ये बताऊं कि कायदे आज़म ने कभी भी टाइम ज़ाया नहीं किया। अगर वो ये गेम खेलते हैं तो इसका मतलब है वो उसको सोचते वक्त दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए या सारी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए वो स्नूकर के लिए आते थे। तो दूसरी चीज़ ये कि जो मेरी एफर्ट है, ये जो इवेंट की एफर्ट है, ये इसीलिए है कि इस चीज़ को लोगों को बताया जाए कि इसमें सिर्फ जुआ ही नहीं है, इसमें डेलिकेसी है, ये एक वो क्या कहते हैं बड़ी शाहाना किस्म की गेम है। एक ज़माने में होता था सिर्फ ड्यूक्स लॉर्ड्स खेलते थे इंग्लैंड के, आम लोगों तक तो रसाई भी नहीं थी स्पोर्ट की। तो ज़रूर लोग इसमें हैं थोड़े बहुत जो इस किस्म की हरकत करते हैं, या वो उनके पास नॉलेज नहीं होती कि इसके बगैर भी गेम हो सकती है। तो ज़रूर मैं वालदैन को कहूँगा कि मेरे अपने बेटे हैं, मैं उनको हमेशा अपने साथ खुद लेके जाता हूँ क्लब। आप अगर आप समझते हैं आपके बेटे को शौक है, आपके बेटे को शौक है, तो बजाय इसके कि आप उसको गार्ड के रिस्ट्रिक्ट करें, आप उसको साथ ले जाएं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, उसमें टाइम निकालें कि चलो यार मैं साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ आपके साथ। तो ये है सारी चीज़। तो आप लोग इसको बहुत बहुत प्यारी गेम है, यकीन करें जो भी खेलता है वो एडिक्टिव हो जाता है इसका, और ज़रूर आप इसको खेलें। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जो आप काम कर रहे हैं अपने इलाके में। और कोई सवाल आपके जहन में हो? बस जहन में थोड़ा सा हमें यही है कि क्योंकि हमारा पसमानदा इलाका तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ की सोच जो है ना असल में